हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सिम्मी। स्वागत है आपका हिंदुस्तानी ब्लॉगर सिम्मी की रसोई में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बादाम मिल्क दूध। सर्दियों के मौसम में गर्मा गर्म बादाम दूध बहुत ही फायदेमंद होता है। तो हम बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया हुआ 1 लीटर दूध, 1 कटोरी काजू, 1 कटोरी बादाम, 1 चम्मच देसी घी, केसर, 4 छोटे चम्मच चीनी, बादाम जिनको मैंने कटर से कट कर लिए हैं, पिस्ता, काजू गार्निश के लिए। तो सबसे पहले हम काजू और बादाम को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो मैंने गैस पे पैन को रख दिया है। पैन को गर्म होने देते हैं। डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच घी, 2 को हम गर्म होने देते हैं। अब इसमें डालेंगे हम काजू और बादाम। गैस को हम लो फ्लेम पर कर देंगे और हम 3 से 4 मिनट तक इन्हें भून लेंगे। हम इन्हें चम्मच की मदद से चलाते रहेंगे ताकि हमारे काजू अच्छे से फ्राई हो जाए। हम इन्हें चलाते ही रहेंगे। अच्छा सा कलर आने पर हम गैस को ऑफ कर देंगे। आप ध्यान रखिएगा, गैस को लो फ्लेम पर ही रखना है। काजू हमारे अच्छे से भून चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। हल्के हल्के से काजू पे चीटे दिखाई दे रहे हैं। तो हम गैस को बंद कर देंगे और हम इन्हें ठंडा करके मिक्सर जार में बारीक पीस लेंगे। तो मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है। अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच पानी। इस तरह से पानी डालने पर दूध हमारा कढ़ाई में चिपकेगा नहीं। ये ट्रिक आप भी आजमा कर देखिए। तो इसमें डालेंगे हम दूध। तो गैस को हम हाई फ्लेम पर कर देंगे। और दूध में हम उबाल आने तक इसे चलाते रहेंगे। अगर बच्चे लोग दूध नहीं पसंद करते हैं, आप इस तरह से बादाम मिल्क दूध बनाएंगे तो हमारे बच्चे बहुत ही पसंद करेंगे। आप एक बार इसे अपने किचन में जरूर ट्राई कीजिए। खासकर इस सर्दी के मौसम में ये दूध हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। दूध में हमारे उबाल आ चुका है। हम इसे 7 से 8 मिनट तक उबालेंगे। ये दूध बच्चे बड़ों सबको बहुत पसंद आएगा। तो मैंने गैस को लो फ्लेम पर रख दिया है। बहुत ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार भी होता है। सर्दियों के मौसम में बादाम का गर्मा गर्म ये दूध बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। आप इस पाउडर को बनाकर रख देंगे। कभी भी आपका मन करे तो आप 2 चम्मच डालकर इसे बना सकते हैं। तो दूध को हम इसी तरह से चलाते रहेंगे। अब हम दूध में डालेंगे केसर। केसर से हमारे दूध में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। केसर को डाल के हम 3 से 4 मिनट के लिए दूध को और उबालेंगे। इसे चलाते ही रहेंगे।
तो केसर का फ्लेवर हमारे दूध में आ चुका है। अब इसमें डालेंगे हम चीनी। चीनी को भी हम अच्छे से चला देंगे। और हमने जो काजू और बादाम पीसा हुआ था उसे हम दूध में डाल देंगे। आप गर्मा गर्म इसे पियेंगे तो आप इस टेस्ट को कभी भूल नहीं पाएंगे। इतना स्वादिष्ट दूध बनकर तैयार होता है। और एनर्जी से भरपूर है हमारा दूध बादाम मिल्क। आप इसे जरूर बनाइए। तो मैंने इसमें काजू और बादाम को मिक्स कर दिया है और हम इसे 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो दूध हमारा हल्का गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। हम इसे चलाते रहेंगे क्योंकि हमने इसमें बादाम और काजू डाल दिए हैं, इसलिए हम इसे चलाते रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, तैयार हो चुके हैं हमारे दूध। कितना अच्छा फ्लेवर आया केसर का दूध में। तो हम इसे अब सर्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिया है कांच का बहुत ही प्यारा सेट। इसी में हम अपने बादाम के दूध को सर्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा बादाम मिल्क दूध बनकर तैयार हो चुका है। गर्मा गर्म आप इसे सर्व कीजिए और अपने बच्चों और फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। मैंने इसे पिस्ते और बादाम से किया है गार्निश। तो फ्रेंड्स, इसे अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए इस ठंड के मौसम में। अपने किचन में एक बार जरूर ट्राई करिए। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।